Hello students, welcome here again on my channel Jankari Hit. Today I'm here again on with you one of the important topic of accountancy, that is a very important 13 journal entries in my 13th video here. But I think the basic concepts have already clear to you. If you have any concern, please see all of my videos on this channel regarding accountancy, specifically for plus one students, or the we can say the very first stage, the students who have just joined accountancy. So just move ahead with me today's topic of 13 different journal entries of accountancy. फर्स्टली जब हम इस स्टेज पर बात कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ जर्नल आप सबको पता होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, द नरेशन, दीज आर द बेसिकली सिक्स पॉइंट्स वी ऑलवेज शुड कीप इन माइंड. आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स क्वाइट क्लियर. अगर आप किसी को इस बारे में कोई डाउट है तो आप मेरी इसी चैनल पर बहुत सी वीडियोज हैं, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा. ठीक यही बात मैं इन मेथड्स के बारे में कह रहा हूँ. यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड आइदर यू आर यूजिंग द मेथड ऑफ दिस वन, दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड वेयर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. एंड सिमिलरली इन मॉडर्न अप्रोच वेयर इक्वेशन बेस्ड मेथड इज यूज, देर आर फाइव टाइप ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, एक्सपेंसिस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इक्विटी एंड इनकम एंड रेवेन्यू. हम इन मेथड्स के बारे में और इनके अंतर्गत हम किस अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, ये हम जानते हैं. वही बात अगर नहीं क्लियर तो आप पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जिस समय हम ये एंट्रीज कर रहे हैं तब तक ये बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज की जो एंट्रीज हैं हम उनके बारे में बात. फर्स्टली आवर टॉपिक इज़ द डिस्काउंट. हमें पता है जो डिस्काउंट है वो दो टाइप का है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं. द कंसेशन गिवन बाय सेलर टू बायर एट लिस्ट प्राइस और MRP इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. ध्यान से भाई, कंसेशन जो छूट दी जाती है सेलर के द्वारा बायर को, बेचने वाले द्वारा खरीदने को, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए MRP पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो लिस्ट प्राइस होता है ना दुकानदारों के पास, उस प्राइस पर जो कंसेशन दिया जाता है, जो डिडक्शन दी जाती है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स स्पेसिफिकली, जर्नल, लेजर एट्सेट्रा, हम इनमें इसको रिकॉर्ड नहीं करते. अगर कहीं रिकॉर्डिंग होती है वो बात ध्यान रखो, वो कुछ डे बुक्स हैं, सब्सिट्री बुक्स, जिनको हम आने वाली वीडियोज में आपको बताएंगे, वो भी सिर्फ इंफॉर्मेशन सेक होता है. अब ये बात देख रहे होगे 20% डिस्काउंट, सेल 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 सेल, भाई ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको बात क्लियर हो सके. 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ये वर्ड आपने अक्सर देखे होंगे. भाई ये सब के सब ट्रेड डिस्काउंट ही तो हैं. ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट, वो कंसेशन है जो बेचने वाले द्वारा खरीदने वाले को, बार को दिया जाता है टू ल्योर के वो ज़्यादा खरीद सके, उसकी उसकी सेल प्रमोशन हो, इन बातों के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. इज इट क्लियर? आओ इसको और साफ करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. गुड सोल्ड टू कमल, जस्ट सी दिस एग्जांपल, गुड सोल्ड टू कमल ऑफ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो हमें अब हम प्लस वन लेवल में है अभी या इससे ऊपर, हमें ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना आता होगा. कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ. 10,000 पे 10% कैलकुलेट करना है. आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर होगा. 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 या 10,000 पे 10% कैलकुलेट किया दैट इज 1,000. तो नेट सेल क्या हुई, हमने क्या किया, 10,000 में से जो ट्रेड डिस्काउंट था 1,000 वो माइनस किया, तो नेट सेल होगी 9,000 की. तो भाई जो हम जर्नल में एंट्रीज करेंगे तो हम नेट अमाउंट शो करेंगे, जो उसका MRP या लिस्ट प्राइस है वो शो नहीं करते. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज गोइंग टू बी शोन हियर. दिस वन जस्ट सी द जर्नल एंट्री. अब हमें ये पता है भी वस्तुएं सेल की हैं, दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, सेल और परचेज की डिटेल जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ दोहरा रहा हूँ, ध्यान से देखो. फर्स्टली हमें एंट्री को समझा,
फिर हमने देखा कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए। एक तो कमल जो पर्सनल अकाउंट है, ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स अंडर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो कमल्स का अकाउंट हमने क्या, कमल का अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेल अकाउंट। सेल क्या है भी, सेल गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। जब सेल की है तो गुड्स बाहर जा रही हैं, रियल अकाउंट है, वर्ड गोज आउट क्रेडिट, तो सेल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट एंट्री होगी। कमल्स अकाउंट डेबिट टू सेल। नरेशन में हम शो कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, यहां पर उसका इंपैक्ट जो नेट अमाउंट है वो शो करते हैं। बींग गुड सोल्ड टू कमल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बात क्लियर होगी ना भाई, ध्यान से इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आराम से सोचना। तो इसको और क्लियर करते हैं, जब सेल पे ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है तो परचेज पे भी तो होगा। कारण समझो, अगर एक बिजनेसमैन सेल कर रहा है, मान लो दो बिजनेस में आपसे डील होते हैं, दूसरे के लिए वही परचेज है, परचेज वाले ने, जिस व्यक्ति ने वस्तुएं परचेज की, उसने जब परचेज की तो उसको भी दूसरे बिजनेसमैन की लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिला वो भी तो ट्रेड डिस्काउंट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, गुड्स परचेज, जस्ट सी दिस, गुड्स परचेज फ्रॉम महिंदर ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹9,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। महिंदर ने गुड्स परचेज की है भी 20,000 में, सॉरी 9,000 में, और 20% ट्रेड डिस्काउंट, समझे। तो महिंदर के लिए क्या पोजीशन है, हम उसको देखते हैं। देखो ट्रेड डिस्काउंट और जो नेट परचेज निकालनी है, ये तो वही प्रोसीजर है। टोटल लिस्ट प्राइस हमें क्या पता है उसका कितना है, 9,000, उस पे ट्रेड डिस्काउंट 20%, जो परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट इन रुपीज कितना बना, 9,000 पे हमने 20% कैलकुलेट किया, 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, 1,800। नेट परचेज कितने की होगी, 9,000 माइनस 1,800, 7,200 की। तो परचेज की एंट्री हमें आती है, ध्यान से देखो, गुड्स परचेज की हैं महिंदर से की हैं, तो पता है क्रेडिट परचेज है ये आपको पता है इस बात का। तो हमें जब नाम दिया हुआ है तो दिस मीन्स क्रेडिट, ये क्रेडिट है, कैश तो लिखा नहीं हुआ। तो है क्या भी, जब परचेज किया है तो परचेज इज अकाउंट डेबिट, बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन, बिजनेस में आ रही हैं वस्तुएं, तो परचेज इज अकाउंट डेबिट। ये मैं बात कर रहा हूं, मान लो हमने महिंदर से परचेज किया और बिजनेस हमारा है, तो एंट्री कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए, एक तो गुड्स मींस परचेज अकाउंट, दूसरा महिंदर, महिंदर इज द गिवर, एंट्री क्या बन गई, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू महिंदर अकाउंट, मतलब महिंदर के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, एंड द नेट अमाउंट इज 7,200 बीइंग गुड्स परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये होगी सेल और परचेज दोनों केसेस में ट्रेड डिस्काउंट की जनरल ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या है, द रिडक्शन अलाउड टू कस्टमर्स और डेटर्स टू इनकर्स देम टू मेक पेमेंट अर्लियर। यस, जिसको हमने उधार बेचा है या हमारा जो कस्टमर है, ताकि वो जल्दी पेमेंट कर सके, उसको उत्साहित करने के लिए, इनकर्ज करने के लिए, जो उससे लेने वाला अमाउंट है उसमें रिडक्शन की जाती है, उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। ये भाई कैश को जल्दी प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि उधार का जमाना है। हमने अपने कस्टमर को या जिसको कभी उधार बेचा था, वो हमारा डेटर है, उसको इनकर्ज करना है कि वो तुरंत पेमेंट करे, जल्दी पेमेंट करे, तो उसको थोड़ा लालच तो देना पड़ेगा। ये वही लालच है, वही रिडक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। इट इज अ लॉस टू द फर्म। यस, जो भाई डिस्काउंट देगा उसको तो लॉस हो गई होगा। हु इज अलाउइंग, जो दे रहा है, और रेवेन्यू फॉर द पर्सन हु इज गेटिंग, भाई जिसको डिस्काउंट मिला उसको तो इनकम होगी। ये हमें बात ध्यान रखनी होगी, जिसका जिसने डिस्काउंट अलाउ किया उसके लिए लॉस है, जिसको मिला उसके लिए ये रेवेन्यू है, इनकम है उसकी। तो दोनों ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक व्यक्ति डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, एक हम देखते हैं जिसको डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, फर्स्ट केस, इफ कैश डिस्काउंट इज अलाउड, लेट टू मोहन, हमने मोहन को मान लो कैश डिस्काउंट अलाउ किया, जो डिस्काउंट तो तभी अलाउ किया होगा ना जब उसने हमें कैश पेमेंट की, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउ किया, दैट इज अ लॉस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
तो हमने जो कैश मिला है हमें किससे मिला है? मोहन से। मोहन ने पैसे दिए हैं भी हमें, तो मोहन के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, बिकॉज ही इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट। ये एक बात और ध्यान से सुनो, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों टाइप के डिस्काउंट को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए लिखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है हम डिस्काउंट डेबिट या डिस्काउंट क्रेडिट भी कह सकते हैं इसको, ये ध्यान रखना। ये डिस्काउंट अलाउड है, इट्स अ लॉस टू द फर्म, तो ये डेबिट हुआ। हमें पता है नॉमिनल अकाउंट में सारे जो लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट। सारे लॉस, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। अब दूसरी बात चलते हैं, इफ कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, मान लो हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हमने पेमेंट करनी थी हमारे क्रेडिटर्स को। किसको पेमेंट की? मान लो हमारा क्रेडिटर कौन है? सोनिया। ये ध्यान रखना, मोहन और सोनिया, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए किया है, यहां पर किसी भी सप्लायर और कस्टमर का नाम हो सकता है। कैश डिस्काउंट हमें मिला, क्यों मिला? क्योंकि सोनिया को हमने जल्दी पेमेंट की भाई, सोनिया को पैसे देने होंगे। सोनिया या कोई भी क्रेडिटर, वो पैसे रिसीव करने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो सोनिया के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट। बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट। डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? इनकम है, इनकम इज नॉमिनल अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन क्या होगी? सोनिया और क्रेडिटर, कोई भी नाम मतलब, डेबिट। कैश बिजनेस से जाएगा, डिस्काउंट तो अभी मिलेगा जब हम पेमेंट करेंगे। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं? क्रेडिट। यस, ये दो ट्रांजेक्शन हो सकती हैं कैश डिस्काउंट के केस में। आओ इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जस्ट सीट, तिलक ऑट ₹5,000 टू रमन। तिलक ने भी रमन के ₹5,000 देने थे, कर्जाई था। ही पेड द अमाउंट बिफोर ड्यू डेट, उसने ड्यू डेट से पहले पेमेंट की, और उसके बदले में क्या मिला? रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल गया भी उसको। एक बात और ध्यान रखो, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में दिखाते नहीं हैं, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में पहले ही बताया। अब इस एग्जाम्पल में भी देखें, सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हम। टोटल अमाउंट कितना ऑफ करना है उसने, देना है उसका, कर्जाई कितने का? 5,000 का। परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट कितनी है? 5%। तो कैश डिस्काउंट कितना हुआ इन रुपीज में? ध्यान से देखो, 5,000 पे जब हमने 5% कैलकुलेट किया, दैट इज 250। तो नेट अमाउंट कितना पे करना पड़ा? 5,000 से 250 माइनस किए, ₹4,750 कैश पेमेंट है ये। अब ध्यान से सुनो, तिलक ने पैसे देने थे रमन को। हम ये तिलक की बुक्स की बात कर रहे हैं, तिलक की बुक्स ही बात कर रहे हैं। तिलक को डिस्काउंट मिला क्योंकि जब उसने पेमेंट की, जल्दी पेमेंट कर दी, तो उसको डिस्काउंट मिला। अब पैसे रिसीव करने वाला कौन है? रमन। एक तो ये अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, रमन पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर 5,000। ये अजीब हो गया, 5,000 कैसे? मैं बताता हूं आपको। अब बिजनेस में दूसरे कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए? कैश अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड, बिजनेस की इनकम है। अब कैश तो गया बिजनेस में से 4,750, उसको देने कितने थे हमने? 5,000। बाकी 250 क्या हो गया? डिस्काउंट। वो हमने कैलकुलेट करके भी बताया, डिस्काउंट तिलक को मिला है, इसके लिए इनकम है, इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट। 250 क्या हो गया? क्रेडिट। अब बात ध्यान से सुनो, इसको 5,000 से डेबिट क्यों किया? एक तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें पता है, इन दोनों का टोटल भी 5,000 है, बट दिस इज नॉट द रीजन। ध्यान से सोचो, रमन बिजनेस का क्रेडिटर था 5,000 से, उसको हमने 5,000 देने थे, उसका हिसाब किताब कैसे खत्म होगा? जब उनको 5,000 से डेबिट कर देंगे, बिकॉज ही इज अ रिसीवर, वो रिसीवर, वो सॉरी, इस ध्यान से सोचो, क्योंकि जब हमने पेमेंट की तो वो पैसे प्राप्त करने वाला है। यस, जितने का हमारा वो क्रेडिटर था जिसको हमने पैसे देने थे, एज ए तिलक, मान लो हम तिलक हैं, तो रमन का अकाउंट जब 5,000 से क्रेडिट था क्योंकि हमारा क्रेडिटर था, तो अब उसको डेबिट करेंगे तो उसका हिसाब किताब क्या हो गया? क्लियर। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट मूव है, एक और एग्जांपल करते हैं, वो डिस्काउंट रिसीव था, अब डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं। अब मैंने बताया कि तिलक के लिए वो डिस्काउंट रिसीव था, रमन के लिए क्या हुआ अभी? डिस्काउंट अलाउड। अगर हम रमन की बुक्स की बात करें, रमन के लिए क्या हुआ? सेम ट्रांजेक्शन देखते हैं। तिलक ऑर्डर ₹5,000 टू रमन,
तिलक ने भी 5,000 रुपये रमन को देने थे, ही पेड द अमाउंट बिफोर ड्यू डेट एंड रिसीव 5% कैश डिस्काउंट। वही बात, 5% कैश डिस्काउंट निकाला, वो मैंने पहले कि इस ट्रांजेक्शन में बताया, तो नेट अमाउंट 4,750 देने वाला है। अब क्या हुआ, अब हम रमन की बुक्स की बात कर रहे हैं। रमन को कैश मिला, कितना मिला, 4,750। रमन ने डिस्काउंट अलाउ किया, दैट इज अ लॉस। लॉस मीन्स नॉमिनल अकाउंट में सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और ये कैश देने वाला कौन है अभी, यस तिलक। तिलक के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। तिलक बिजनेस का क्या था, ध्यान से ये वाली जो बुक्स हैं हमें ध्यान से सोचना होगा। एक तरफ हमें कैश मिल रहा है, दूसरी तरफ कैश की पेमेंट हो रही है। ध्यान से सोचो, कैश आ रहा है तो इस अकाउंट, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं हम दोनों जर्नल एंट्रीज को समझते हुए। आई थिंक दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही ट्रांजेक्शन में हो सकता है, यस क्यों नहीं हो सकता। आओ इसको देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10,000 पे 500 हो गया, जो एमआरपी कितना था 10,000, नेट परचेज कितने हुई 9,500 की, और उसी पे उसने कैश डिस्काउंट दिया तुरंत पेमेंट लेने के लिए 10% कैश डिस्काउंट। अब हम जो नेट परचेज है उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट परचेज आई है उस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। 10% वो 950 हो गया, नेट कैश पेड कितना हो गया, जब माइनस किया 9,500 में से 950, 8,550। तो नरी ट्रांजेक्शन सोचो, आप गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है। तो नेट परचेज कितने की थी ट्रेड डिस्काउंट के बाद, 9,500 की। कैश बिजनेस में से कितना गया, 8,550। बाकी क्या मिला, अभी डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कैश डिस्काउंट था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो गया, अभी क्रेडिट। कैश बिजनेस में जा रहा है क्रेडिट, परचेज किया है तो गुड्स आ रही हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। नरेशन में हम दोनों को शो करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का जो नेट इम्पैक्ट पड़ने के बाद जो नेट अमाउंट है उसको शो करते हैं, बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते। ये कंबाइंड ट्रांजेक्शन होगी, जो इस टाइप की ट्रांजेक्शन जब हम कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ध्यान से देखो, एक तरह की ये कंपाउंड एंट्रीज भी हैं, क्योंकि दो से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं हर ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें पता है कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में लगाया है, जो वस्तुएं बिजनेस में लगाई हैं, उस सबको हम कैपिटल कहते हैं। वस्तुओं की कोई कीमत होती है ना, भी जब वस्तुओं में, जब कैपिटल के रूप में पैसा ऑनर ने लगाया, तो बदले में उसको चाहिए भी ना कुछ, तो उसको बदले में, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। एनी इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, ध्यान रखना, जब भी कोई अलाउ किया जाता है डिस्काउंट, सॉरी इंटरेस्ट कैपिटल पर, वो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेस है। और जितना ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ करेगा बिजनेस ओनर को, उतनी उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ये बात ध्यान रखनी होगी। कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट, या हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं इसकी जनरल ट्रांजेक्शन क्या होगी। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑफ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। 4 लाख की कैपिटल थी भी, उस पर 10% इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, हमें पता है ये तो आता होगा, अब तक क्लियर हो चुका है, 40,000 इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस का एक्सपेंसिज है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसिज या लॉस क्या होते हैं, सारे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, उतनी ही कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि ये पे नहीं किया जाता, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो कैपिटल पहले भी क्रेडिट थी, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उसको दिया जा रहा है ये चीजें, लाइबिलिटी और रेज हो गई है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 40,000 और ऐड अप हो गए। दिस इज द एंट्री इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना, नरेशन में बीइंग वही वही 10% इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। इसको और क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट टू द प्रोप्राइटर ऑन हिज कैपिटल ऑफ 1 लाख। 1 लाख के भी 5%, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 5,000। ट्रांजेक्शन वही होगी, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट।
कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट बीइंग 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। नेक्स्ट वन, जब कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस अलाउ करता है, ड्राइंग्स क्या होती हैं हमें पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजेक्शन है। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट और गुड्स हु हैव सम वर्थ, जिसकी कोई कीमत होती है, अगर उनको बिजनेसमैन द्वारा, ओनर द्वारा घर के पर्सनल यूज के लिए, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में विड्रॉ किया, दैट इज ड्राइंग, ये हमें पता है। तो इट्स गेन फॉर बिजनेस, तो बिजनेस के लिए जितना ड्राइंग्स ऑनर लेके जाएगा उस पे इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करता है। जब वो बिजनेस में से ड्राइंग्स लेकर जाएगा, बिजनेस जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करता है तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो मींस इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द फर्म ऑन द अमाउंट और वर्थ ऑफ काइंड ड्रॉन बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट इज अ गेन फॉर बिजनेस सो गेट्स क्रेडिट, ये गेन है बिजनेस के लिए। गेन क्या होते हैं, क्रेडिट हमें नॉमिनल अकाउंट में पता है। तो ध्यान रखें, जितना ज्यादा ड्राइंग्स होती चली जाएंगी, जितना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा कैपिटल कम हो जाती है। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम प्रोप्राइटर ऑन ड्राइंग ₹600, इंटरेस्ट चार्ज किया भी 600 का। दो ढंग हैं इसके, ध्यान से सोचो। एक तो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितना इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स और बढ़ गई। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 600 600। दूसरा एक और ढंग भी है, एक अप्रोच ये भी कहती है कि आप कैपिटल अकाउंट डाल सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ड्राइंग्स है, तो इसको भूल जाते हैं हम क्यों। पर एक बात ध्यान रखो, जब हम आगे जाएंगे देखेंगे, ड्राइंग्स जितनी बनती हैं वो सारी की सारी कैपिटल को कम कर देती हैं, फाइनल अकाउंट में कैपिटल में से माइनस हो जाती हैं। तो जब हम कैपिटल को डेबिट करते हैं तो कैपिटल माइनस हो जाती है। सो बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट, बट हम करेंगे क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ध्यान रखना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। नेक्स्ट वन, चैरिटी और डोनेशन एज गुड्स और कैश, भाई दान दे रहा है, भाई दान दिया जा रहा है, वस्तुओं के रूप में भी कैश के रूप में भी। चैरिटी और डोनेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, कैश या गुड्स बिजनेस में जाएंगी। अगर गुड्स के रूप में दान दिया जा रहा है तो गुड्स जाएंगी, गुड्स के जाने का मतलब सेल तो है नहीं, भी परचेज कम हो गई, परचेज डेबिट होती है। यहाँ पर परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, अगर गुड्स को दान के रूप में दिया जा रहा है। अगर कैश दिया जा रहा है तो कैश बिजनेस में से जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। चैरिटी और डोनेशन तो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट। सो चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश पेमेंट हो रही है, अगर गुड्स जा रही है तो टू परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सी दिस एग्जाम्पल, गेव अवे एज डोनेशन ₹700, डोनेशन दिए भी ₹700, कैश डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कैश जा रहा है, डोनेशन बिजनेस का एक्सपेंसिस है, एक्सपेंसिस डेबिट। नेक्स्ट, गेव अवे वर्थ ₹300 एंड कैश एज कैश, नॉट नी एज गेव गुड्स, सॉरी गेव गुड्स वर्थ ₹300, 300 की दो गुड्स एंड कैश ₹100 है चैरिटी। 300 की गुड्स दी, 100 का कैश, कैश भी गया गुड्स भी गई, चैरिटी बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंसिव, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब गुड्स जा रही हैं तो सेल तो हुई नहीं है, ये परचेज कम हो गई है, परचेज डेबिट होती है वैसे जब गुड्स आती हैं। अब गुड्स जा रही हैं तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सेकंड वन, कैश अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है इसमें, कैश जा रहा है बिजनेस में से टू कैश अकाउंट। ध्यान से देखो, 300 की गुड्स, 100 कैश गया, टोटल चैरिटी कितने की होगी, 400 की। ये कंपाउंड एंट्री भी तो बन गई, ध्यान रखना, बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर रिगार्डिंग दीज डिफरेंट 39 एंट्रीज। द बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन दीज एंट्रीज इन टुडेज वीडियो, वन इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, एंड हाउ कैन वी ट्रीट दैम इन जर्नल। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद वेरी कंफर्टेबल एग्जाम्पल्स। Then we have discussed about charity and donation about in today's video as well. The next concept we have discussed here, interest on capital and interest on drawing. I think all the concepts are quite clear. If you have any concern, please give your comment in
फॉलोइंग कमेंट बॉक्स हियर इन दिस चैनल, और वी कैन से इन अंडर दिस वीडियो, एंड देर आर मेनी अदर्स कंसर्न वीडियोज हेयर ऑन माई चैनल रिगार्डिंग अकाउंटेंसी. आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज विद देयर डिस्क्रिप्शन. यू कैन सी दैट, यू कैन मेक योर वे इजी. आई विल बी हियर वेरी सून विद अ न्यू वीडियो टू मेक योर वे सो इजी. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.